ओह माय गॉड गाइस, ये देखो ये क्या है भाई, पॉपी प्ले टाइम एंड हगी बगी का इतना बड़ा स्टैचू, ये तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और यहाँ पर ये क्या है, स्पिन व्हील। वाओ, हमको एक बार फिर से मिल चुका है स्पिन व्हील और हमको इसको घुमाना पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या मिलता है हमें। वेट, हमें तो मिल चुका है हगी बगी, लेकिन इसका मतलब क्या है भाई, होने क्या वाला है यहाँ पे। भाई मेरे को मिल चुका है हगी बगी, लेकिन इसको मिलने के बाद यहाँ पे होने क्या वाला है भाई, यहाँ क्या हुई हगी बगी आने वाला है भाई। यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा हगी बगी मौजूद है, लेकिन हमको शायद जाना पड़ेगा इसके ऊपर। सो चलो फटाफट इसके ऊपर चलते हैं। एंड गाइस, हम लोग इसके ऊपर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन हमको अभी तक कोई भी हगी बगी नहीं मिला है जिससे कि हम लोग मिल पाएँ। सो पता नहीं वो हमको कहाँ मिलेगा भाई, वेट करो, शायद इस घर में होगा भाई। यहाँ पर भी नहीं है भाई, वो है कहाँ फिर, यहाँ पर है ही नहीं वो, फिर वो है कहाँ पर। ओ यहाँ पर एक सीक्रेट कुछ है भाई, लेकिन यहाँ मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन रुको भाई रुको, मेरे को चेक करना दो चेस्ट में क्या है। चेस्ट में है यहाँ पे पोशन और यहाँ पे खाने के लिए कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यार। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी देर से हगी वगी को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, बट वो मेरे को नहीं मिल रहा है और पता नहीं वो कहाँ पर है। उसको ढूंढने में हम लोग बूढ़े होने वाले हैं, बट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमारे साथ कुछ खेल रहा है, यानी कि वो हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। मतलब जैसे ही हम लोग कुछ और दूसरा काम करेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, ऐसा होगा नहीं। लेकिन वो अगर यहाँ पे है तो है कहाँ पर यार, अगर वो यहाँ पे है तो हमारे सामने आया ना भाई, कहाँ पर है बता नहीं, कहाँ पे है ये हगी वगी बेचारा। मतलब भाई अच्छा मैं समझ गया, अबे गाइस हम लोग, वो अकेला है और हम लोग तीन हैं, तो वो हमसे डर गया होगा ना यार भाई। लेकिन ये क्या है भाई, पोर्टल। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, नूब क्या कर रहे हो भाई तू, इसके अंदर जाने का क्या हम लोग को। तो चलो देखते हैं इसके अंदर है क्या आखिर, वेट करो। ओके सो दोस्तों, हम लोग ये कहाँ पे आ चुके हैं भाई, नूब ने बनाया एक पोर्टल एंड हम लोग उसके अंदर कूदे, एंड अभी हम लोग आ चुके हैं एक सीक्रेट लोकेशन के ऊपर। एंड यहाँ पे करना पड़ेगा हमको पार्कर, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, लिटरली पैर अगर फिसला तो सीधे लावा के अंदर मिलेंगे और मर जाएंगे, इसलिए हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। ओके 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 ओके, आराम से आराम से आराम से आराम से। सो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं गाइस। ये क्या भाई, यहाँ पर तो एक ब्लू कलर का हाउस है, ये हाउस एकदम पूरा ब्लू है भाई। लेकिन मेरे को लगता है इसके अंदर कौन होने वाला है भाई, चेक करते हैं कौन है इसके अंदर। सो लेट्स गो दोस्तों, चलो देखते हैं घर के अंदर कौन है। वेट, यहाँ तो एक और नया पोर्टल है, चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर कौन है। ऊपर तो कोई भी नहीं है। हेलो एनीबॉडी हियर, कोई है यहाँ पे क्या? ये ओ माय गॉड गाइस, ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक इतना बड़ा हगी वगी सो रहा है। शांत रहो, कहीं वो जाग ना जाए, अगर वो जाग गया तो वो हम सबको खा लेगा भाई। शांत रहो। बुक में क्या है, बुक में कुछ लिखा हुआ चेक करते हैं। बिहाइंड यू, मेरे पीछे कौन है भाई, कौन है पीछे? ओ भाई, अबे हगी वगी यहाँ पे, अबे भाई अभी तो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। एलेक्स भाग, नूब और एलेक्स भागो यहाँ से, हगी वगी खड़ा हुआ है यहाँ पे, जल्दी फटाफट भागो यहाँ से यार, फंस गए हम लोग। गाइस हम लोग उल्टा फंस चुके हैं, अबे गेट तो खोलो मेरे लिए। अबे भाई बंद करो बंद करो। ओके 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 ओके, फाइनली बच गए हम लोग। लेकिन चलो यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो हमको ढूंढ ले, जल्दी भागो फटाफट यहाँ से। नूब और एलेक्स कुछ करो भाई, हमें कुछ करना पड़ेगा उससे बचने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करें, वेट, वो अपने घर में अभी भी है, लेकिन यहाँ पे नूब कुछ कर रहा है भाई, क्या कर रहा है नूब? ओ गाइस, नूब ने एक दूसरे किसी मिसी को स्पॉन कर दिया है, मतलब उसने अभी उसको क्राफ्ट किया है, एंड पता नहीं वो क्या करने वाला है। ओके ये किसी मिसी को रखने वाला है यहाँ पे, एंड जैसे ही वो हगी बगी आएगा इस किसी मिसी के पास, एंड फिर यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। और ये शायद नूब का प्लान है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अब उसको आने दो फटाफट से, वेट करो, वो इस किसी मिसी को देख के पक्का आने वाला है यहाँ पे। वो देखो सामने से आ रहा है। ओके वो आ रहा है, 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 ब्लास्ट करो। ओके वो आने वाला है पास में, थोड़ा पास और, थोड़ा पास और, एंड वन टू एंड यहाँ पे हो चुका है ब्लास्ट। ओके सो दोस्तों यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन ये क्या हो गया भाई, हगी बगी को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अभी भी जिंदा है और हंस रहा है भाई। हम लोग उल्टा फंस चुके हैं, जल्दी भागो यहाँ से यार, कुछ करो यार, हमारा प्लान तो पूरा फेल हो गया। हमें लगा था हम उसको पकड़ लेंगे, बट हम उसको पकड़ ही नहीं पाए, बल्कि उसने हमको भाई बुरी तरह डरा के रखा हुआ है। अब रुको, वो कहीं इस घर में ना घुसा, बे वो तो इस घर में आ रहा है, ये रहा पोर्टल। चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी फटाफट से भाई, टाइम नहीं हमारे पास, लेट्स गो दोस्तों। सो गाइस फाइनली हम लोग पता नहीं कहाँ पर आ चुके हैं, हम लोग अभी एक न्यू पोर्टल के अंदर एंटर करें हैं।
एंड हमें नहीं पता हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। ये एक हमारे लिए एकदम न्यू लोकेशन है भाई। ये कहाँ पे आ गए हम लोग, कुछ पता है क्या इसके बारे में? बे यार नूब और एलेक्स बताओ मेरे को ये कौन सी जगह है यार, यहाँ मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, फिर ये कहाँ पर आ चुके हैं हम लोग यार। मेरे को ये जगह सेफ नहीं लग रही है भाई, कहीं वो हगी होगी यहाँ पे ना आ जाए भाई। लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन लेकिन वेट मिनट गाइस, वो यहाँ पर भी आ चुका है, वो देखो सामने से आ रहा है। अभी अब मैं क्या करूँ? ओ उसने एलेक्स को अपने भाई उसने एलेक्स को पकड़ लिया अपने मुंह में और वो पता नहीं उसे खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, छोड़ दे उसको। ओके ओके वो लावा के अंदर गिर चुका है। अरे वाह फाइनली फाइनली हम लोग बच गए, वो लावा के अंदर गिर के मर चुका है लिटरली गाइस। सो दोस्तों हम लोग दोबारा एक बार फिर से आ चुके हैं अपने उसी पजल के पास। सो दोस्तों ये रहा हमारा स्पिन व्हील, ये दोबारा स्पिन कर रहा है और अब कौन आने वाला है? ये क्या, इस बार तो आ चुकी है पॉपी प्ले टाइम। भाई मैं इतनी मुश्किल से हगी बगी से बच के आ रहा हूँ एंड अब मुझे मजबूरन इस पॉपी प्ले टाइम के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ये गेम को स्टार्ट कर दिया है एंड गेम को स्टार्ट करने के बाद हमको इसको खेलना ही पड़ता है। सो हम लोग आ चुके हैं ऊपर और ये घर है गाइस पॉपी प्ले टाइम का। सो चलो चलते हैं, वो यहाँ पर है या फिर नहीं देखते हैं। वैसे मैं काफ़ी मुश्किलों से बच के आया था अभी हगी बगी से और अब तुरंत ही भाई मेरे को फाइट करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉपी प्ले टाइम से। लेकिन यहाँ पे गाइस यहाँ पे तो है भाई, यहाँ पे तो वो है ही नहीं। हाँ यार वो तो यहाँ पे है ही नहीं गाइस, वो है कहाँ पे? हाँ लगता है उसका कोई दूसरा घर होगा, वो वहाँ पर होगी, मैं समझ गया। जैसे कि हगी बगी हमको वहाँ मिला ना दूसरी पोर्टल में, ऐसे वो भी वहीं पे होगी, यहाँ पे वो होगी नहीं। लेकिन ये क्या है? अरे वाह ये तो एक सीक्रेट रास्ता है और शायद यहीं पे होगी पॉपी प्ले टाइम। सो हम लोग आ चुके हैं फाइनली पॉपी प्ले टाइम के अंदर एंड गाइस हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा पिंक सा हाउस है और मेरे को लगता है इस पिंक हाउस में उस वो पिंक वाली पॉपी प्ले टाइम होगी। सो हम लोग एंटर कर चुके हैं पॉपी प्ले टाइम के घर के अंदर एंड वो शायद ऊपर होगी, तो चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तो वो है नहीं। अबे ये रही, अबे माय गॉड, अबे गाइस क्या करूं? अरे भाई उसने मेरे को देख लिया है। अबे 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 वो तो अपना घर तोड़ रही है अपना, भाई वो तो अपना ही घर तोड़ रही है, मतलब वो किसी को मारने के लिए अपना घर तोड़ सकती है और वो हमारे पीछे आ रही है। अबे अरे मैं तो गया भाई, मेरे को बचाओ प्लीज। माय गॉड अब क्या करें दोस्तों, वो हमारे पीछे आ रही है। गाइस हम लोग आ चुके हैं एक फैक्ट्री के अंदर और ये कौन सी फैक्ट्री है भाई, मैं जानता नहीं उसको, पता नहीं ये कौन सी फैक्ट्री है भाई। ये कहाँ आ चुके हैं हम लोग भाई, ये फैक्ट्री में हमारा काम? ओके 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 गाइस यहाँ पे नूब चला गया इसके अंदर एंड नूब कुछ बन के आने वाला है। वाओ नूब बन चुका है एक रोबोट एंड अब रोबोट की और पॉपी प्ले टाइम की फाइट होने वाली है आपस में। नूब भाई तुम कर सकता है, नूब भाई तुम मार दे उसको, नूब भाई की जय हो, नूब भाई की जय हो। फाइनली नूब ने मार दिया यार। यार भाई नूब तेरा जवाब नहीं यार, तू बहुत ही स्ट्रांग बनता निकला। सो गाइस नूब ने हमारा काम आसान कर दिया है। सो गाइस नूब ने हमारा नाम रोशन कर दिया है एंड अब बारी है एक बार फिर से स्पिन व्हील को घुमाने की। देखते हैं इस बार क्या आता है, आई डोंट नो क्या आएगा। ओ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है यानी कि कुछ एंडर आई। वॉट एंडर पियल क्यों मिली मेरे को भाई? एंडर पियल का मैक, ओ ये क्या है? वॉट यार ये क्या है? हीरो बैंड का सर, अभी हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं क्या? अरे वाह एंडर पियल से, लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों पता किसके अंदर? हीरो बैंड के सर के अंदर। आप लोग कभी नहीं गए होगे तो अभी आप लोग देख लो कैसा होता है। ये देखो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन इसका सर ऐसा कैसे है यार, इतना सारा खून क्यों पड़ा है यहाँ पे यार? इस घर के इसके सर के अंदर क्या खूनबाजी होती है क्या? कोई फाइट करता है क्या आपस में? पता नहीं क्या होता है। वेट यहाँ तो हीरो ब्रैंड भी है, मतलब हीरो ब्रैंड के दिमाग में हीरो ब्रैंड। वॉट ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? भाई उसने हमको देख लिया हीरो ब्रैंड ने कि हम लोग उसके सर के अंदर आ चुके हैं। नूब भाई कहाँ कूद रहा है तू? वहाँ लावा है वहाँ मत जा। अबे नूब मर गया जाके वहाँ पे यार, और हीरो ब्रैंड तो मेरे ऊपर ही खड़ा हुआ है। हीरो ब्रैंड आई एम सॉरी बाबू।
गाइस ये देखो हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। माय गॉड ये तो सुपर स्कैरी सीक्रेट टनल्स हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे सोनिक्स हैं यार। ये देखो रेड सोनिक, ब्लू सोनिक, ओ माय गॉड। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सब के अंदर जाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। और लिटरली नीचे बहुत ही बड़ी खाई है और अगर हम लोग इसके अंदर गिर गए तो भाई इसे मर जाएंगे। लेकिन चलो उठाते हैं अपनी कार्ट और निकलते हैं ऐसे फटाफट से। लेट्स गो गाइस, टाइम आ चुका है सबसे पहले सोनिक के अंदर जाने का। सो यहाँ पर जा रही है एलेक्स इस सोनिक के अंदर और ये है ब्लू वाला सोनिक। तो लेट्स गो, देखते हैं सोनिक के अंदर क्या होता है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ब्लू वाले सोनिक के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद मेरे को ब्लू ब्लू पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऊपर एक विलेज है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर नूब है जो कि भाई नूब क्या कर रहा है यहाँ पे। ओ लगता है एलेक्स अब तू गई, तेरे ऊपर गिरने वाला है वो एनविल। बट वेट, उससे पहले यहाँ पे एंट्री हो चुकी है सोनिक की, जो कि अब आ रहा है पता नहीं क्या करने के लिए। भाई ओ वो मेरे पास आ चुका है। एंड गाइस अबे मेरे को पता लगा मैं फ्रीज हो गया हूँ। फ्रीज यार, सोनिक ने पूरे वर्ल्ड को फ्रीज कर दिया। माय गॉड, और सब लोग फ्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। माय गॉड अब क्या होने वाला है। ओ फ्रीज करने के बाद सोनिक ने मेरे को अपने हाथों में उठा लिया, यानी कि मेरे को नहीं नूब को। एंड वो नूब को लेके पता नहीं कहाँ पे जा रहा है भाई। ओए भाई वो तो अपने घर में लेके चला गया उसको, लेकिन उसके साथ वो क्या करने वाला है। उसने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया भाई। माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है ब्रो। सो एलेक्स वो देख सोनिक आ गया भाई, वो हमको पकड़ लेगा। वो हमारे पीछे खड़ा है सोनिक, ये देख। अबे लेकिन ये हमसे भाग क्यों रहा है गाइस। सोनिक तो हमसे डर के मारे भाग रहा है भाई। कहाँ भाग रहा है सोनिक। अबे रुक तेरी तो, अबे रुक साले रुक, कहाँ भाग रहा है। अबे तेरी तो यार भाई, हम लोग घर में आ चुके हैं सोनिक के। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनिक मेरा दोस्त है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन चलो सोते हैं भाई, सोने का टाइम हो चुका है। गुड नाइट। सो दोस्तों यहाँ पे रात हो रही है, आप लोग देख सकते हो। एंड रात के अंदर हम लोग अपने उसी घर के अंदर, मैं और एलेक्स आराम से सो रहे होते हैं। हमें कोई खबर नहीं थी यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड फिर उसी टाइम जो सोनिक है वो अपने घर के अंदर पता नहीं कौन से बिल्ड कर रहा है भाई। पता नहीं ये कुछ करना चाह रहा था, फिर ये सो गया था। ओके यहाँ पर देखो जो नूब है वो जेल के अंदर बंद है बेचारा। लेकिन भाई उसको किसी ने एक लीवर दिया, एंड लीवर देने के बाद अब वो यहाँ से निकल रहा है बाहर। भाई किसने इसकी हेल्प करी, आखिर वो बंदा कौन है जिसने इसकी हेल्प करी भाई। और अभी यहाँ से बाहर निकल चुका है और इसको शॉट भी दे रहा है वो बंदा भाई। लेकिन इसे दे कौन रहा है ये शॉट वगैरह भाई, कोई तो बहुत ही बड़ा इंसान है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं सोकर उठ चुका हूँ। एंड वेट, बाहर ये खून क्यों पड़ा है भाई। एलेक्स उठ, एलेक्स उठ उठ, उठ बाहर देख खून पड़ा हुआ है भाई। कोई तो बाहर पक्का है, कौन है चेक कर एलेक्स, चेक कर कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। हेलो भाई, ओ यहाँ तो बहुत सारा खून पड़ा है भाई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना सारा खून क्यों पड़ा है यहाँ पे। अबे चेक करते हैं भाई ये इतना खून क्यों पड़ा है यहाँ पे यार, ये खून का यहाँ पे काम क्या है। वेट करो गाइस, मैं आ चुका हूँ सोनिक के घर में। माय गॉड सोनिक को किसी ने मार दिया, सोनिक को किसी ने मार दिया रातों रात। माय गॉड, और मुझे लगता है सोनिक को नूब ने मारा है भाई। मेरे को पक्का यकीन है कि सोनिक को नूब ने ही मारा है, और ये रहा नूब भाई। लेकिन यहाँ पे ये येलो सोनिक कहाँ से आया, ये येलो सोनिक कहाँ से आया येलो वाला। माय गॉड जल्दी भाग यहाँ से एलेक्स भाई, मेरे को लगता है ना। हाँ गाइस पता है जो वो ब्लू सोनिक था ना वो हमारा दोस्त था भाई, वो हमको मार नहीं रहा था। लेकिन अभी ये येलो सोनिक हमारे पीछे पड़ चुका है, ये हमारा दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये नूब को भी मार रहा है भाई, नूब को साथ में मार रहा है। लेकिन चलो हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं, और हमें मिल चुका है एक डोर जिसके अंदर कोई रास्ता था भागने का। चलो देखते हैं ये कौन सा रास्ता भागने का है। सो हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। वाओ हम लोग आ चुके हैं एक सीक्रेट केव के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारा लावा है, लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट बेसमेंट भी है जिसके अंदर हमको जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो एक पोर्टल है। लेकिन यहाँ पर देखो नूब के पीछे पड़ा हुआ है वही सोनिक, और नूब भी हमारे पास आ रहा है भाई। ओ नूब तो भाग गया, लेकिन कहीं सोनिक अंदर ना घुस जाए। ओ ये क्या, अरे नूब की और इन दोनों की दोस्ती हो गई। वॉट इतनी जल्दी दोस्ती। अबे नूब तुम्हें ब्लास्ट कर रहा है। अबे नहीं नूब हमको ब्लास्ट करेगा क्या भाई तू। एलेक्स कुछ होने वाला है यहाँ पे, क्या करें। अबे ब्लास्ट हो गया। माय गॉड वो दोनों के दोनों अंदर आ चुके हैं। अब ये क्या हो रहा है, अभी ये कूदो फटाफट कूदो यहाँ से जल्दी। सो गाइस कैसे हो आप लोग, हम लोग दोबारा वहीं पर आ चुके हैं जहां से हम लोग गए थे।
और यार अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि वो सोनिक कितना खतरनाक था यार, ब्लू वाला। लेकिन अब हम लोग जाने वाले हैं किसी और सोनिक के अंदर, दूसरे वाले के अंदर, क्योंकि वो तो हमने कर लिया कंप्लीट पूरा। बारी है इसके अंदर जाने की। ये इसका नाम है गाइस द रेड सोनिक। वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका नाम रेड सोनिक है। लेकिन चलो फटाफट चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि एलेक्स इसके अंदर ऑलरेडी जा चुकी है। तो लेट्स गो। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं रेड सोनिक के अंदर, आप लोग देख सकते हो। एंड रेड सोनिक के अंदर आने के बाद मेरे को यहाँ बहुत ही बड़ा हाउस दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मैं आ चुका हूँ। एंड यहाँ हमको एक सीक्रेट, एक कुछ तो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो कि बॉक्स है। लेकिन इसके अंदर क्या ये मुझे नहीं पता है भाई, मेरे को इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, यानी कि पता नहीं है। बट वेट, यहाँ तो जैसे ही स्लाइम को हटाया वो रेड सोनिक निकला अंदर से। एलेक्स गेट बंद कर, फटाफट गेट बंद कर। ओ भाई, वो बाहर निकल चुका है गाइस, और आई थिंक उसने हमको देख भी लिया है। फिर हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट दिस गाइस। ओ माय, और यहाँ पे एक बार फिर से भाई नूब आ चुका है हमारा पूरा खेल खराब करने के लिए। नूब भाई, तू हमारा पूरा गेम खत्म कर देता भाई तू। ओ भाई, ये कौन जा रहा आसमान में गाइस, यार आप लोगों ने देखा। लेकिन ये सोनिक हमको मार क्यों नहीं रहा है, और यहाँ पे ये रे येल्लो वाला दोबारा आ गया यार, यही तो बहुत खतरनाक है येल्लो वाला। भाई सब लोग ठीक है, बट ये है येल्लो वाला बहुत ही खतरनाक होता है, भागो यहाँ से। मेरे को लगता है ना ये रेड वाला सोनिक है ना गाइस, रेड वाला ये भी हमारा दोस्त ही है, इसीलिए हमको नहीं मार रहा है। लेकिन जो येल्लो वाला है वो हमारा दोस्त नहीं है भाई, वो दुश्मन है हमारा, बहुत ही बड़ा वाला। लेकिन अब उससे बचने के लिए हमको यहाँ से भागना तो पड़ेगा। लेकिन हम लोग कहाँ भागे और कैसे? ओ सो सोनिक ने पकड़ लिया है एलेक्स को, एंड उसने इसको वहां फेंक दिया। भाई मेरे को फेंक दे प्लीज, मेरे को फेंक दे प्लीज, मेरे को फेंक दे ऐसे ही प्लीज प्लीज। ओके, तो ये मेरे को फेंक रहा है फटाफट वहां से। ओके, ये मेरे को फेंक देगा उस तरफ और फिर हम लोग बच जाएंगे। ये रेड सोनिक ने हमें बचा लिया, वाओ। लेकिन क्या रेड सोनिक तू नहीं आ पाएगा यहाँ पे? भाई तू भी आ फटाफट से। ओ ओ ओ, वो आ रहा है हमारे पास। लेकिन रेड सोनिक क्या हमारे पास नहीं आएगा? रेड सोनिक क्या तुम हमारे पास नहीं आओगे? ओके, तो रेड सोनिक उससे फाइट कर रहा है। रेड सोनिक तुम उसे मार सकते हो। सोनिक वेट, भाई उस येलो ने रेड को लावा के अंदर फेंक दिया, एंड फिर येलो कहीं और जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। सो गाइस, लगता है हमारा, हम सोनिक को नहीं बचा पाए। सो सॉरी सोनिक ब्रो, मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे को बचा नहीं पाया। एनीवे, चलो मैं और एलेक्स यहाँ से भागते हैं, हमें दूसरी जगह पे जाना है भाई। लेकिन वेट, यहाँ पे एक टावर है, लेकिन भाई हमको अभी ज़रूरत है एक पोर्टल की यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और पता नहीं वो पोर्टल हमें कहाँ मिलेगा। एलेक्स तेरे को कुछ पता है क्या उसके बारे में? अगर तुझे कुछ पता तो मेरे को बताना प्लीज़ यार, कहाँ मिलेगा भाई? यार हमें वो पोर्टल कहाँ मिलेगा, कोई मेरे को बताएगा यार? कोई तो बताओ मेरे को। एलेक्स तू क्या कर रही है यहाँ पे, क्या हुआ एलेक्स? अबे अभी ये कौन सी दिक्कत लेके आ चुकी है यहाँ पे तू? अबे यार ये बियर को लेके क्यों आ गया यहाँ पे तू? यार ये वाइट बियर कहाँ से आ गया? शिट यार, इसको एक और भाई प्रॉब्लम आ चुकी है यार, ये बियर को बुलाना था ही क्यों फिर? चलो छोड़, सोते हैं यार, सुबह मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो रात हो रही है, हम लोग सो गए थे, लेकिन जो येल्लो वाला सोनिक है वो वहीं पे आ चुका है जहाँ पे हम लोग अभी हैं। वो हमारे घर के आसपास आके मंडरा रहा है, एंड ऊपर जाके वो हमारे घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो आ चुका है टॉप फ्लोर पे उड़ता हुआ, और अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है हमारे पास।